आज हमने आलू पालक एक नए तरीके से झटपट सा तैयार किया है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार किया है। और किस तरह तैयार किया है, क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं आपको बताते हैं, लेकिन आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना है, आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और काइंडली सारी वीडियो जो है वो एंड तक देखा करें। और मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग हेल्प करें प्लीज़, और वीडियो को एंड तक देखें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी लाजमी करें। तो चलिए आइए झटपट सा आलू पालक तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हंसते मुस्कुराते खुशोखुर्रम होंगे। अबू बकर खड़े हुए हैं और बकरियाँ देख रहे हैं और इनको बहुत शौक़ है बकरियों का। तो अभी हम आए थे सर्टिफिकेट के सिलसिले में, गए हुए थे अतैब नूरी के सर्टिफिकेट के लिए, जो स्कूल के एडमिशन के लिए चाहिए उनको, पुराने स्कूल का एडमिशन सर्टिफिकेट। तो वहाँ से आए हैं, बहुत धूप थी और बहुत गर्मी थी और रास्ते से फिर हमने सब्ज़ी ली, तो सब्ज़ी लेकर हम आए हैं। तो आज मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, वैसे तो पालक जो है, पालक मैं आज बनाने लग रही हूँ, पालक आलू, ठीक है। तो पालक जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, गोश्त में भी, आलू में भी, खाली भी पकता है। तो आज मैं आलू पालक बना रही हूँ, लेकिन इतने आसान तरीके से बनाऊँगी और इतना ज़बरदस्त बनाऊँगी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, धूप से आई हूँ। और ये देखें अतैब नूरी ना प्याज खा खा के जा रहे हैं, प्याज बहुत ज़्यादा खाते हैं, जब मैं काट के रखती हूँ तो बहुत खाते हैं। तो जी चलिए, इतने आसान तरीके से पालक बनाऊँगी और इतना ज़बरदस्त बनेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ठीक है, आप बनाएंगे तो ख़ुद आपको पता चलेगा। अच्छा, पालक में ना दो गड्डी पालक है, तो मैंने इसमें ना एक आधी गड्डी जो है ना वो धनिया भी डाला है। धनिया डालेंगे तो पालक की जो एक तलखी होती है या तुरशी कह लें, जो भी कह लें ना, वो इसकी ना ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पालक का पानी जो है वो मैं ज़ाया नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग पालक उबालने के बाद पानी फेंक देते हैं और पालक डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना आयरन होता है पालक में, तो हम तो सारे फ़ायदे तो उसके ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। तो मैं कभी भी पालक का पानी नहीं फेंकती हूँ, काइंडली आप भी मत फेंकिएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुकर में, क्योंकि देर हो गई है, झटपट बनना चाहिए सालन। तो मैंने लिया है दो गिलास पानी, जो कि उबलना शुरू हो गया है। यहाँ पर दो अदद मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने बारीक काट लिए हैं, एक अदद बड़े साइज़ की प्याज बारीक काट ली है और लहसुन है। ये देखिए, ये चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, ठीक है। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर देती हूँ। अच्छा जी, मसालों में जो है ना नमक मिर्च हसबे ज़रूरत लेना है, अपने हसबे जायका जितना आप खाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक चाय का चम्मच भर के लिया है नमक, आधी चाय का चम्मच ज़ीरा, एक चाय का चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, आधी चाय के चम्मच के करीब है हल्दी, और आधी चाय का चम्मच लिया है लाल मिर्च का पाउडर, और एक चम्मच लिया है भर के दड़ा मिर्च। इसमें दड़ा मिर्च जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम मसाले गए इसमें, तो पालक भी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी जब ये इतनी आसान सी पालक की रेसिपी आप बनाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह आसानी भी होगी और अच्छी भी बहुत लगेगी। और किसको अच्छा नहीं लगता झटपट काम हो जाना, है ना। बस पालक काटने में थोड़ा टाइम लगा है, तो दो तीन बंदे मिला के पालक काट लें आप, घर के सारे बंदे मिलाएं, सबको कहें कि आए पालक काटते हैं, ठीक है। तो पालक काट लें इस तरह, और ये हमने डाल दिया। अब मैं कुकर को बंद करती हूँ 10 मिनट के लिए। आप जानती हैं अपने कुकर को, क्योंकि हर किसी के कुकर की एक अलग ही सिस्टम और टाइमिंग होती है। तो मैं इसको 10 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ, जब हमारा रेडी हो जाएगा पालक, ठीक है। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद खोला है मैंने कुकर को, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पालक जो है वो गल गई है, थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है। तो अभी हमने आलू काट लिए हैं, 3 से 4 अदद आलू थे मेरे पास दरमियाने साइज़ के, छोटे मतलब इतने साइज़ के थे, वो मैंने काट लिए हैं, छील कर धो लिया और उनको इतना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे किसी भी साइज़ में काट सकते हैं। तो हम आलू यहाँ पर शामिल करते हैं, इसमें जो पानी मौजूद है इससे आलू भी गल जाएंगे और हम इसकी भुनाई भी कर लेंगे। इससे जो है आलूओं का टेस्ट जो है पालक में बहुत अच्छा सा आ जाएगा और आलूओं में पालक का आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको भूनना शुरू करेंगे, साथ साथ जो है ना आलू भी गलने हैं और पालक भी भून जाएगी। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देते हैं, ताकि आलू थोड़े से गल जाए और पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो जाए,
तो हम कुकर का ढक्कन बंद नहीं करेंगे, वैसे ही इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। अच्छा जी, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए और काफ़ी हद तक पानी इसका ख़त्म हो गया है और आधे आलू भी आधा गल चुके हैं। तो अब इसमें घी शामिल करते हैं, हसबे ज़रूरत इसमें घी डालें। तकरीबन आधा कप के करीब मैं इसमें घी डालूँगी क्योंकि पालक में घी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा डलती है, ठीक है। और ये घी मैंने इसमें शामिल कर दिया, तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे, अच्छी सी अब भुनाई करेंगे हम इसकी, और आलू भी साथ साथ जो है ना वो गल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और भुनाई करने के दौरान जो है ना ये मैं कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करूँगी, ठीक है। ये देखें यहाँ पर इस टाइम ये मतलब मुकम्मल गलना नहीं चाहिए, मिर्चों को थोड़ी सी कच्ची कच्ची रहनी चाहिए, खड़ी खड़ी मिर्चें और बहुत ज़बरदस्त लगती हैं पालक में सब्ज़ी में, ठीक है। अब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं और फ्लेम को जो है ना वो लो रखेंगे जी। इसको अच्छा सा हमने भून लिया है स्लो फ्लेम पर, आलू भी गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला आधी चाय की चम्मच, ऐसे छिड़क कर इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। और इसको 2 मिनट का दम लगाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ और टेस्ट करके बताऊँगी कि कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा आलू पालक जो है झटपट सा तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अभी मैंने टेस्ट किया है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि कितना आसान और कितना ज़बरदस्त बनाए। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और काइंडली वीडियो को एंड तक देखा करें क्योंकि मुझे वॉच टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने शेयर भी करना है वीडियो को, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करने हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह।